तो वेलकम स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे ट्राइंगल्स, ठीक है, ऑफ क्लास 10th, ठीक है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग समता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टडीइंग अबाउट ट्राइंगल्स इन पर्टिकुलर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, लेट अस रीड अबाउट व्हाट इज ट्राइंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टडी ऑफ व्हाट इज ट्राइंगल, त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। ट्राइंगल किसे कहते हैं या त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट्स में हम लिखेंगे ट्राइंगल क्या होते हैं। ये क्लोज्ड फिगर होता है, अ क्लोज्ड फिगर या इसको बाउंडेड फिगर भी कहते हैं, ठीक है। क्लोज या बाउंडेड फिगर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको घिरी हुई आकृति, ठीक। बाउंडेड फिगर ऑफ थ्री साइड्स, अ क्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री साइड्स, हैविंग थ्री साइड्स, ठीक है, हैविंग थ्री साइड्स। तो कितने साइड से बाउंडेड होगी, थ्री साइड से बाउंडेड फिगर होता है, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। और हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, भुजा के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण। तो कौन कौन से तीन होते हैं, साइड्स के बेसिस पे कौन कौन से, इसी के साथ में साइड्स एंड एंगल्स भी लिख लीजिए, इसी के साइड में लिख लीजिए एंगल्स, ठीक है। साइड्स एंड एंगल्स, भुजा और कोणों के आधार पे। तो साइड्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम इस साइड में लिखेंगे, एंगल्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम इस साइड में लिखेंगे। तो साइड के बेस पे कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं, नंबर 1 स्केलन ट्राइंगल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, ठीक। सेकंड क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। और एक क्या होता है, थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। स्केलन ट्राइंगल विषमबाहु, जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, बराबर ना हो, अ ट्राइंगल इन विच नो साइड्स आर इक्वल, ठीक है, या ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऐसे भी कह सकते हैं, अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, या हिंदी में ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल एंड अनदर साइड, थर्ड साइड इज अनइक्वल टू द अदर टू साइड्स, ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज अनइक्वल टू द अदर साइड्स, ठीक है, जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं किंतु तीसरी भुजा समान नहीं होती, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच
ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर अनइक्वल हो जाएगा तो स्केलन ट्राइंगल, और अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि सभी भुजाएं समान हो बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो था साइड्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, और एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। एंगल्स के बेसिस पे ट्राइंगल होते हैं, नंबर फर्स्ट एक्यूट एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक। और एक क्या होता है, थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक ठीक है, अधिक कोण, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे एंगल्स क्या हों, एक्यूट एंगल हों, ठीक है। अ ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। सभी कोण अगर न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो, सारे सारे एंगल्स, सारे मतलब कितने एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, तीन एंगल होते हैं टोटल, तो अगर तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इससे आप बखूबी परिचित होंगे, क्यों, क्योंकि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में काफ़ी यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम इसमें ही यूज होता है, इसलिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल से आप लोग काफ़ी परिचित होंगे। इसको क्या कहते हैं, इसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, बाकी दो क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, दैट इज 90 डिग्री, एंड द रिमेनिंग टू एंगल्स आर एक्यूट, दे आर कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो और बाकी के दो एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। ऑब्ट्यूज का मतलब अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो एक एंगल आपका 90 और 180 के बीच में हो और बाकी जो दो एंगल्स हों वो आपके कितने हों, एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से कम हो, तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए कहाँ गया बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है नाइन्थ क्लास में, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखा है। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, नाइन्थ क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रखी है, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ये आपने पढ़ रखा है। ये क्या होता है, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की सर्वांग, सर्वांग समता, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है बेटा,
कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या देखा था लास्ट ईयर, आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में इसको पढ़ रखा है, अ फिगर, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जरूरी नहीं आप ट्राइंगल की ही बात करें, कॉन्ग्रुएंसी आप किसी भी फिगर के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता, सर्वांग समता, सर्वांग समता, वर्ड क्या है, सर्वांग समता, ठीक। तो सर्वांग समता ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इसको हिंदी में ब्रेक करेंगे तो इसमें है सर्व प्लस अंग प्लस समता, ठीक है, ठीक। सर्वांग समता ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक। अंग का मतलब होता है पार्ट्स, बॉडी मतलब पार्ट्स, और समता मतलब इक्वल, बराबर, ठीक है, ठीक, या एक जैसे भी कह सकते हैं, लेकिन एक जैसे ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ठीक है, चलिए। तो क्या इसका मीनिंग हमने निकाला तोड़ के, कि सभी अंग सभी पार्ट्स इक्वल हों, ठीक। तो सर्वांग समता मतलब सभी पार्ट्स इक्वल हों, ठीक है। यानी कि जैसे आप रियल लाइफ में एग्जांपल लें तो कोई ऐसी दो बिल्डिंग बनी हो जिसमें जो है क्या कहते हैं, जो डायमेंशंस हो, हाइट उसकी, लेंथ उसकी, ब्रेथ, अगर डायमेंशन सारी की सारी सेम हो, इवन कलर भी सेम हो, कलरिंग भी सेम हो, तो वो क्या होगा, दोनों, या जो जो उसका जो है क्या कहते हैं आर्किटेक्चर हो, जो आर्किटेक्चर हो उसका, जो भी उसकी बनावट हो, सब कुछ अगर सेम है तो वो ट्राइंग, वो जो भी फिगर आपका हो, जो भी आपकी बिल्डिंग होगी, जो भी आपका भवन होगा, वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा, ठीक, कॉन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे के, ठीक है, एक जैसा ही होगा, ठीक। तो रियल लाइफ में एग्जाम्पल एक तो आप ऐसे ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल रियल लाइफ में क्या ले सकते हैं, दो ट्विंस होते हैं, तो ट्विंस, कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं जिनके चेहरे एक जैसे नहीं होते हैं फेस, लेकिन कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं जिनका चेहरा या जिनका पूरा बॉडी एक जैसी ही होती है, तो वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये तो रियल लाइफ में एग्जाम्पल हो गया। अब हम अगर अपने ज्योमेट्री में बात करेंगे, ठीक है, तो ज्योमेट्री में पार्ट्स का मतलब क्या, यहाँ कोई अंग थोड़ी ना होता है, हाथ नाक कान मुंह तो ऐसा हो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे पार्ट्स का मतलब क्या, साइड्स, ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स का मतलब क्या, साइड्स, लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स का मतलब क्या, साइड्स हो गया, लाइन हो गया, ठीक। तब अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल में आपने सर्वांग समता पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, तो दो ट्राइंगल्स, ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें सारे के सारे एंगल्स क्या होते थे, इक्वल होते थे, और सारी की सारी साइड्स इक्वल होती थी, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते अगर इनके सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते और साइड्स इक्वल होती थी, तभी तो होता था। और कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड आपने थ्योरम्स भी, क्राइटेरिया भी पढ़े थे, साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, RHS, ठीक है, और एंगल साइड, ये चार क्राइटेरिया आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ रखा था, ठीक है, ठीक। तो ये आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नाइन्थ में पढ़ रखा है। हमको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, समरूपता। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, सभी अंग समान थे, मतलब साइड्स जो है क्या कहते हैं, साइड्स बिल्कुल, जो ट्राइंगल की साइड्स थी वे एग्जैक्टली इक्वल थी, ठीक है, एग्जैक्टली क्या थी, इक्वल थी, ठीक। सिमिलरिटी में क्या होता है, अभी हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, तो सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी, ठीक, सिमिलरिटी में क्या होता है, टू ट्राइंगल्स या टू फिगर्स कह लीजिए, टू फिगर्स आर सिमिलर इफ ऑल द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल हो वो इक्वल हो और साइड्स क्या हो, वहाँ पे साइड्स कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल होती थी, यहाँ पे क्या होगा, साइड्स आर इन द सेम रेशियो, मतलब कि सिमिलरिटी की अगर बात की जाए तो सिमिलरिटी के मतलब एक जैसे दिखने में, एक जैसे हों, ठीक है, दिखने में एक जैसे हों लेकिन उनकी डायमेंशंस में फ़र्क हो, ठीक है। जैसे दो बिल्डिंग मैंने बना दी, ठीक है, और दो बिल्डिंग का डिज़ाइन सेम हो, ठीक है, डिज़ाइन सेम हो लेकिन एक का डायमेंशन छोटा हो और एक का डायमेंशन बड़ा हो, ठीक है, एक की डायमेंशन छोटी हो और एक की डायमेंशन बड़ी हो,
जैसे कि आप जब जो है क्या कहते हैं बहुत सारी पुरानी मूवीज आप देखते होंगे, तो पुरानी मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के वो अपनी टेबल पे रखते हैं, और फिर उसी के सिमिलर आप जो है क्या कहते हैं रियल लाइफ में बिल्डिंग खड़ी करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो वो दोनों ही जो है क्या कहते हैं वो जो स्ट्रक्चर वो उनके जो है क्या कहते हैं टेबल पे रहता है वो, और जो रियल लाइफ स्ट्रक्चर रहता है वो दोनों क्या होता है सिमिलर होता है, ठीक है। दोनों की डायमेंशन अलग होती हैं, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो डायमेंशन भले अलग हों लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। तो अगर स्ट्रक्चर सेम है और डायमेंशन अलग अलग है तो क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए और डायमेंशन भी सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी में थी। और सिमिलरिटी में क्या है स्ट्रक्चर तो सेम हो लेकिन डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट हो। तो दो फिगर्स जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा हो, बनावट एक जैसी हो लेकिन डायमेंशन अलग अलग अगर होते हैं तो दो फिगर क्या होते हैं, फिर दो फिगर क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर, सिमिलर होंगे सॉरी। दो फिगर की अगर स्ट्रक्चर एक जैसी हो लेकिन डायमेंशन अलग अलग होंगे तो दोनों ही फिगर क्या होंगे सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सिमिलर फिगर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं आप, टू सर्किल्स, कोई भी सर्किल होंगे तो सर्किल की बनावट, तो कोई भी सर्किल आप ले लीजिए तो सर्किल की बनावट तो सारे सर्किल की एक जैसी होती है, सारे सर्किल की बनावट क्या होती है एक ही जैसी होती है, ठीक। दोनों ही सर्किल एक जैसे दिखेंगे। तो फिर पहला एग्जांपल क्या हो गया सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल डेफिनेशन लिख दीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, टू टू फिगर्स आर सिमिलर टू फिगर्स। अब फिगर्स क्यों लिख रहे हैं, ट्राइंगल क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्राइंगल पढ़ना है तो टू फिगर्स, ट्राइंगल ही लिख लीजिए, ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। टू ट्राइंगल्स आर, हेडिंग हमने ट्राइंगल की डाली इसलिए ट्राइंगल ही लिखते हैं, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सिमिलर इफ, ठीक है, इफ नंबर फर्स्ट ऑल द एंगल्स, ऑल द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर corresponding angles are equal, number one, and second condition क्या हो गई, their corresponding sides are in the same ratio, ठीक। that is if we have two triangles triangle ABC and triangle D E F, ठीक है, then they will be similar if, कब similar होंगे दोनों, दो triangle हम ले लेते हैं, ये एक triangle है A B C and D E F, ठीक है, टू ट्राइंगल्स हमने ले लिया, तो दोनों ही सिमिलर कब होंगे, जब फर्स्ट कंडीशन क्या हो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, फर्स्ट कंडीशन ही होनी चाहिए। सेकंड जो ये कह रहा है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड क्या होगा AB
करेस्पॉन्डिंग साइड्स, करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, ये आपकी डेफिनेशन कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, सिमिलरिटी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब इसके साथ कुछ नोट कर लीजिए, कुछ बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। बुलेट पॉइंट्स क्या नोट कर देंगे, क्या नोट करेंगे आप, फर्स्ट नोट कर लीजिए, ऑल ऑल सर्कल्स आर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है। सारे के सारे सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक। सेकंड, एंड सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट आल्सो, ठीक है। अगर सेम रेडियस हो जाए सर्कल का तो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सेकंड ऑल, ठीक, ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। क्या ट्राइंगल, क्या क्या रेक्टेंगल भी सारे के सारे सिमिलर होंगे, इट इज़ अप टू यू, ठीक है, बताइएगा। इफ़ वेदर, आप पे छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, वेदर ऑल, ये तो दो स्टेटमेंट मैंने बता दिया, दे आर करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही, ये आप बताएंगे, वेदर ऑल रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट, सिमिलर और नॉट, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, वेदर ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर और नॉट, इफ दे आर सिमिलर देन टाइप यस, एंड इफ दे आर नॉट सिमिलर टाइप नो, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, तो सिमिलरिटी समझ में आ गई क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर है 6.1, चैप्टर 6.1 है, चलिए उसको कर लेते हैं, चैप्टर 6.1, चैप्टर 6.1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑल सर्कल्स आर डैश, अभी मैंने बताया ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, अभी मैंने बताया ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, तो बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल्स सिमिलर नहीं होते हैं, बट ऑल ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, ठीक है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, और सिमिलर क्यों होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अगर सारे एंगल्स सेम हो, मतलब सारे एंगल्स अगर तीनों ही एंगल जो है क्या कहते हैं, दो ट्राइंगल के एंगल्स अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यहाँ पे कोई भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए तो एंगल्स तो 60 डिग्री होंगे सारे के सारे, इसका मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन ये था, फोर्थ है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ द साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब एंगल के बारे में मैंने जब डेफिनेशन लिखा था सिमिलरिटी की तो मैंने बताया था एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है, एंड साइड शुड बी इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वन का फोर्थ हो गया। फिर गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के दो एग्जाम्पल, सिमिलर फिगर के अभी मैंने बताया सर्कल एंड स्क्वायर लिख लीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख लीजिए, ठीक। फिर सेकंड है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में स्केलन ट्राइंगल लिख लीजिए और सेकंड क्या लिख लीजिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बोथ आर नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। इन पर्टिकुलर कंडीशन इक्विलेटरल ट्राइंगल मे बी सिमिलर, स्केलन ट्राइंगल टू स्केलन ट्राइंगल मे बी सिमिलर इन पर्टिकुलर सिचुएशन, बट इन जनरल दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। चलो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, अभी सिमिलरिटी बतानी है हमको, तो सिमिलरिटी के लिए बेटा सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दोनों ही फिगर आप बुक में देख पा रहे होंगे कि दोनों फिगर के एंगल्स इक्वल नहीं है, और पहले ही कंडीशन हमारी होल्ड नहीं हो रही है, इसलिए ये
दोनों फिगर जो आपके दिए हुए हैं ट्रेपेजियम, सॉरी हाँ ये जो भी आपका दोनों क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दोनों ही क्वाड्रिलेटरल क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। चलो तो ये आपका चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ने से पहले बेटा दो चीज़ हम समझ लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। ये तो ठीक है, ठीक, हाइट इंटू बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर आपको मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैंने आपको दे दिया, दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया, इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, आप क्या लिखोगे, हाफ बेस इसका क्या, आप बी सी ले लोगे बी सी, और इंटू हाइट क्या ले लोगे, दैट इज परपेंडिकुलर ए सी, ठीक। तो ये आपका राइट एंगल में तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट फिगर था, ठीक है, ये फर्स्ट फिगर था। सेकेंड फिगर मैं आपको दे रहा हूँ एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ दिस इज ट्रायंगल, चलो डी ई एफ लिख लो, डी ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। अब डी ई एफ का एरिया देखो, आप कुछ भी बेस मान सकते हो, तो चलो मैं ई एफ को बेस मान रहा हूँ, तो ई एफ को मैंने हाफ इंटू हाफ, तो फार्मूले में ही आता है, भगवान की दया से वो फार्मूले में है, और ई एफ को हमने बेस माना है, ई एफ को हमने बेस माना है, ठीक है। अब जब हमने इसमें बी सी को बेस माना था तो हाइट क्या माना था, ए सी, विच इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो यहाँ पे भी हमको ई एफ पे एक परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, ई एफ पे एक परपेंडिकुलर चाहिए। और परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, देखो किसी भी ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, एक वर्टेक्स ये ई, एक एफ, और ये जो थ्री आपके एंड पॉइंट्स होते हैं वही आपके थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो जो दो वर्टेक्स तो इस साइड में यूज हो गया, जो थर्ड वर्टेक्स है ना वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर सपोज आपका हो गया डी डी एक्स हो गया सपोज, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई एफ, और ई एफ पे जो परपेंडिकुलर, ई एफ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, डी एक्स है, दैट विल बी योर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये बात तो हो गई, ये कौन सा ट्रायंगल था, ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। ये कौन सा था, राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक ठीक है। और अगर मैं आपको अभी दे दूं एक स्केलन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलन ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया, और थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, ठीक, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये डी ई एफ ले लिया, चलिए ए डैश बी डैश और सी डैश, ठीक है। अब इसका मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, एरिया इसका मैं निकालना चाहता हूँ, कौन सा, ए डैश बी डैश और सी डैश का एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, सेम हाफ तो आपके फार्मूले में है, ठीक ठीक है, और किसी एक को तो बेस मानना पड़ेगा, चलिए मैं बेस मान लेता हूँ बी डैश सी डैश को, मैं बेस, आप चाहो तो ए डैश बी डैश को भी बेस मान सकते हो, सी डैश ए डैश को भी, किसी को भी बेस मान सकते हो, मैं यहाँ पे बी डैश सी डैश को बेस मान के अगर चलूँगा, तो सी डैश बी डैश सी डैश को अगर आप बेस मानोगे तो हाइट क्या होगी, जो बी डैश सी डैश पे परपेंडिकुलर हो, और मैंने एक कंडीशन और बताई थी, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो थर्ड वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे, तो एक वर्टेक्स ये, सेकेंड ये, तो ये दोनों तो इस साइड में कंटेन हो गए, थर्ड वर्टेक्स कौन सा है, ए डैश, तो ए डैश से जो वर्टेक्स होगा, जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या वो ट्रायंगल के इनसाइड होगा, बिल्कुल नहीं, कहीं बाहर में जाएगा, तो बाहर में कहीं वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं वर्टेक्स आए, सॉरी परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, ठीक ठीक है। तो परपेंडिकुलर इस वाली साइड को आप, क्योंकि ये लाइन होती है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये एक्सटेंड करेगी यहाँ तक, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इसको आप मान लो ए डैश एक्स डैश, ठीक है ठीक है। तो ए डैश एक्स डैश विल बी द परपेंडिकुलर ऑन बी डैश सी डैश, ठीक है,
ए डैश एक्स डैश विल बी द परपेंडिकुलर ऑन बी डैश सी डैश, ठीक है। तो वट एवर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल बी, ठीक है, लेंथ आपकी कुछ भी हो, वट एवर द लेंथ इज ऑफ द ट्राइंगल, लेंथ आपकी छोटी भी हो सकती, साइड आपका छोटा भी हो सकता है, वट एवर द साइड इज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पे केवल यहीं तक है, एक्स डैश तक ही है, लेकिन हमारी साइड बड़ी है, ठीक है, ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पे साइड आपकी छोटी हो गई, परपेंडिकुलर बाहर निकल गया। मैटर नहीं करता है, आपको केवल साइड देखना है, जितनी बड़ी साइड होगी आपको साइड की लेंथ उतनी ही लेनी है, साइड की लेंथ उतनी ही लेनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर आपका इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, और मे बी राइट एंगल की तरह आपके किसी एक वर्टेक्स पे भी, ये सी वर्टेक्स पे ही तो परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक, तो कैसे भी हो सकता है। तो ये होता है एरिया निकालना, किससे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपने सीखा राइट एंगल का और एक्यूट एंगल ट्राइंगल का और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। इसका हम यूज करेंगे बीपीटी में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ठीक है, तो पहला तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और एक थ्योरम और समझ लीजिए बीपीटी समझने से पहले, बीपीटी समझने से पहले एक थ्योरम और समझ लीजिए, वो थ्योरम क्या है, थ्योरम लिखो, एक थ्योरम समझ लो बीपीटी से पहले, एक थ्योरम है, इफ टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस देन देयर एरिया विल बी इक्वल, या ऐसे भी लिख सकते हैं दे विल हैव सेम एरिया, ठीक है, देयर एरिया विल बी इक्वल, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, यद इफ टू ट्रायंगल्स आर फाउंड बिटवीन टू पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस देन देयर एरिया विल बी इक्वल, यदि दो त्रिभुज किन्हीं दो समांतर भुजाओं समांतर रेखाओं के बीच में खींची जाए बनाए जाएँ, ठीक है, दो त्रिभुज किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में बनाए जाएँ और उनका उन दोनों ही ट्राइंगल्स का अगर बेस अगर सेम हो तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी सेम होगा। फिगर बना के देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेट अस हैव टू पैरेलल लाइंस ए, इसको मान लीजिए एल एम, ये एल डैश एम डैश, ठीक है ये दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, सपोज ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है अब इस पैरेलल पे देखो सेम बेस लेना है, ठीक है, तो बेस आप कितनी भी लेंथ का ले सकते हो, मैं मान लो यहाँ से यहाँ तक मैं बेस ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए बी मैं बेस ले रहा हूँ, बेस मैं क्या ले रहा हूँ, ए बी, ठीक, और ए बी बेस मानकर मैं दो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो एक ट्राइंगल सपोज ये हो गया, ठीक, और दूसरा ट्राइंगल सपोज ये हो गया, ठीक है, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और दूसरा क्या हो गया ए बी डी, ठीक है। तो थ्योरम क्या करिए कि इफ़ टू ट्राइंगल्स मैंने फॉर्म कर दिए ए बी सी एंड ए बी डी, टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म बिटवीन टू पैरल्स, देखो एल एम पैरल एल डैश एम डैश, तो ये दोनों ही क्या हैं, पैरल हैं, ठीक है, एल एम पैरल टू एल डैश एम डैश, ये वाली इसके पैरल है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। ऑन द सेम बेस, बेस भी बेटा मैंने सेम लिया है, ए बी यहाँ पे सेम है, ए बी दोनों ही ट्राइंगल का बेस है, तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, देयर एरिया विल बी इक्वल, हमको क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी और ए बी डी का एरिया होगा क्या होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू प्रूव, ठीक है, तो आप निकाल लो, आप एक काम करो ए बी पे आप जो है क्या कहते हैं इन, एक काम ही कर लो, लिखो आप इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का आप एरिया निकालो, तो एरिया ऑफ ए बी सी आप निकालोगे कैसे, बेटा ए बी सी का एरिया निकालने के लिए ए बी को आप बेस मान लोगे, ठीक है, जब आप ए बी को बेस मानोगे, ठीक है, जब आप ए बी को बेस मानोगे तो आपको ए बी पर एक परपेंडिकुलर चाहिए, अभी मैंने बताया था कि
एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हाइट क्या होता है, इसी बेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ए बी पे हमको एक परपेंडिकुलर चाहिए, और मैंने ये भी बताया था कि जो परपेंडिकुलर होगा वो थर्ड वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे। तो थर्ड वर्टेक्स तुम्हारा क्या है, ये है। तो यहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज आपका ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोज, चलो इसको फिगर थोड़ा सा टिल्ट कर लो फिगर बेटा, जिससे कि तुमको दिखाई पड़े, ठीक है, ये ऐसे कर लो, ठीक है, अभी तुमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी, अभी सी यहाँ पे चला गया, ठीक है, अभी ए बी पर आपको एक परपेंडिकुलर चाहिए, और परपेंडिकुलर कहाँ से, सी से, थर्ड वर्टेक्स से। तो थर्ड वर्टेक्स सी से परपेंडिकुलर कहाँ, आउटसाइड होगा, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, सी सी ओ डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर। तो इस ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो हाफ इंटू बेस, बेस हमने क्या लेना है, ए बी लेना है, तो ए बी हमने बेस ले लिया, ठीक। और परपेंडिकुलर ए बी पे सी से परपेंडिकुलर कौन सा है, सी ओ है, सी ओ है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक ठीक है। अब आप ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकाल लो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक। अभी एरिया किसका निकाल लो, ए बी डी का, ए बी निकाल लो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, आप सेम बेस ले लो ए बी, ठीक, और बेस पे क्या चाहिए आपको, थर्ड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, तो थर्ड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये आप डाल लो, ड्रॉ कर लो एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सपोज डी डी पी कर लो, ठीक है, डी पी, ठीक है। अब एक बात मुझे ये बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों ही लाइन क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, और पैरेलल अगर ये दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, और ये अगर 90 डिग्री पे कोई एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो ट्रांसवर्सल होगी, किसके, एल एम और एल डैश एम डैश के, तो ये दोनों ही एल सॉरी सी ओ, ये जो आपका लिखा हुआ है सी ओ, सी ओ और डी पी सेम होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एल एम और एल डैश एम डैश क्या हैं, दे आर पैरेलल। तो अगर टू लाइन्स आर पैरेलल, तो टू लाइन्स आर पैरेलल, तो उनके बीच में किसी भी दो पॉइंट पे आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो दोनों ही इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ऑब्वियस ही बात है। इसका मतलब सी ओ विल बी इक्वल टू डी ओ, सिंस लिखोगे क्या, सिंस एल एम पैरेलल टू एल डैश एम डैश इम्प्लाइज दैट सी ओ विल बी इक्वल टू डी ओ, और सी ओ अगर सॉरी सी ओ विल बी इक्वल टू डी पी, और सी ओ अगर डी पी के इक्वल हो गया, यानी कि सी ओ की जगह पे हम डी पी लिख सकते हैं, तो लिख दो इसको, सी ओ की जगह पे आप डी पी लिख दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सी ओ की जगह पे आप डी पी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी वाली इक्वेशन से, इक्वेशन थर्ड से, ठीक, फर्स्ट मान लो, ठीक है, तो हाफ इंटू ए बी, और सी ओ की जगह पे आप डी पी लिख दो, ठीक। अब ये किसका एरिया है, देखो हाफ इंटू ए बी इंटू डी पी किसका है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, और हमको यही प्रूफ करना था कि सेम बेस पे ए बी सी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है, ठीक है, वो इस वाले ट्राइंगल के एरिया से, इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, ठीक है, ठीक। तो दोनों ही, इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या है, इफ टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल्स एंड ऑन द सेम साइड सेम बेस, ठीक है, दो पैरेलल के बीच में अगर दो ट्राइंगल हो जिसका बेस सेम हो, तो दोनों ही ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, लिख लो बेटा, ठीक है। इसका यूज हम करेंगे किसमें, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में यूज करने वाले, ठीक है, लिख लिया बेटा, चलो आगे चलते हैं। चलो चलो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
चलो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, स्टेटमेंट लिख लो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. The other two sides are divided in the same ratio. ठीक है, चलो ये थ्योरम हो गई आपकी। ठीक है, क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रही है, ये स्टेटमेंट है, इस पर हम फिगर बना लेते हैं पहले। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, माउंटेन नहीं है बेटा, ये ट्रायंगल है, आर्ट मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, इसलिए ऐसे ही बनता है मेरा। हाँ, एम एफ हुसैन मेरे आगे फेल है बेटा, क्या किया जाए। ठीक, तो क्या है, ए बी सी, ये क्या है आपका ट्रायंगल है। ठीक, अब क्या कह रहा है, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो किसी एक ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो। चलो मैंने बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये मैंने क्या कर ली, बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी ये किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। सपोज ये डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये डी पे इंटरसेक्ट कर, बेटा मार्कर मेरा अभी मृत प्राय हो गया है, मृत प्राय, मृतावस्था में जा रहा है मेरा मार्कर, क्या किया जाए, अभी रिफिल करते हैं, आप लोगों की क्लास ख़त्म हो जाए फिर इसको रिफिल करते हैं। ठीक है, तो डी पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये दिया है, इसका मतलब फिर क्या कह रहा है, अगर ऐसा है डी पैरेलल टू बी सी, तो क्या होगा, अदर टू साइड कौन कौन सी है, बी सी को छोड़ करके ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। डिवाइड कैसे हो रही है, ए डी और डी बी में डिवाइड हो रही है, ए ई और ई सी में, यानी कि ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ये हमको प्रूफ करना है, तो क्या लिखेंगे हम, प्रूफ हम क्या लिखेंगे, बी आर गिवन a triangle ABC in which line DE parallel to BC, BC के parallel एक line DE है, a line DE parallel to BC, which मतलब कौन line जो DE है, which intersects AB and AC at points, AB और AC को कहाँ पे intersect कर रही है, at points D and E respectively, ठीक है, इतना दिया हुआ है। ठीक, और हमको प्रूफ क्या करना है, आगे क्या लिखेंगे, वी हैव टू शो दैट या प्रूफ दैट हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, हमको प्रूफ करना है ए डी अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
अब प्रूफ करने के लिए बेटा कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट अस मैच बी टू ई, बी को आप ई से मैच कर दो ठीक, और सी को डी से मैच कर दो. तो मैच या ज्वाइन बी ई एंड सी डी, इतना कर दिया. और एक काम क्या करो, डी से आप परपेंडिकुलर डालो ए सी पर. तो डी से परपेंडिकुलर, सपोज ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया. और ई से परपेंडिकुलर डालो ए बी पर, ये भी 90 डिग्री हो गया ठीक है. एंड ज्वाइन दिस एंड और दूसरा काम हमने क्या किया है, ई से इसको मान लो एम, इसको मान लो एन ठीक है. एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एम परपेंडिकुलर किस पे है, एट ई एम एट ए बी, ए बी पे कौन सा है, ड्रॉ ई एम, ऐसा भी लिख सकते हो आप, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ई एम ए बी पे परपेंडिकुलर है एंड डी एन परपेंडिकुलर टू डी एन किस पे है, डी एन किस पे ए सी पे है ठीक है. तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया ठीक है. अब आप क्या करो, निकालो किसका, एरिया निकालो किसका, इसीलिए मैंने आपको एरिया वाला अभी फार्मूला लिखवाया था. एरिया आप किसका निकालोगे, एरिया ठीक है. एरिया आप देखो बेटा, हमको क्या चाहिए, एडी चाहिए, हमको क्या चाहिए, एडी चाहिए. एडी कहाँ पे, ए डी यहाँ पे, एडी यहाँ पे. एडी को कंटेन करने वाला ट्रायंगल कौन सा है, एडी ई है ठीक है. तो एडी का एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू बेस. अब बेस क्या है बेटा, तुमको क्योंकि एडी चाहिए ना फॉर्मूले में, तुमको जो प्रूफ करना है उसमें एडी चाहिए, तो तुम एडी को ही बेस मान लो, हाफ इंटू एडी और इंटू क्या हो जाएगा एडी. एडी पे परपेंडिकुलर कौन सा है, एडी पे 90 डिग्री कहाँ पे है, ई एम, ये जो ई एम है ना वही 90 डिग्री है. तो एडी पे क्या लिखोगे, इंटू ई एम, एडी पे परपेंडिकुलर ई एम. तो आपका एरिया ऑफ एडी क्या हो जाएगा, एडी इंटू ई एम हो जाएगा ठीक. और आपको क्या चाहिए, डी बी चाहिए. तो डी बी कहाँ पे है भैया, डी बी देखो, डी बी यहाँ पे है. डी बी को कंटेन कर लो ट्राइंगल डी बी ई, कौन सा है, डी बी ई ले लो, डी बी ई ठीक है. क्या ले लोगे, डी बी ई, तो ले लो डी बी ई. तो डी बी ई किसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी डी बी ई ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई ठीक है. क्या होगा, हाफ इंटू बेस. बेस किसको मानोगे बेटा, डी बी तुमको प्रूफ करना है तो डी बी को ही तुम बेस मान लोगे. और डी बी पे परपेंडिकुलर कहाँ पे है बेटा, डी बी पे परपेंडिकुलर कहीं पे नहीं है, लेकिन डी बी को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो डी बी को अगर आप ऑप्टिव एंगल मान लो, देखो ऑप्टिव एंगल की तरीके से है ये ऑप्टिव एंगल. तो डी बी को आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो ड्रॉ किया यहाँ पे ठीक, ये ठीक. तो डी बी पर परपेंडिकुलर क्या है, ई एम है अगेन ठीक. तो ये आपका हो गया डी बी जो है, एरिया ऑफ डी बी ई हो गया. यहाँ तक करेक्ट है ठीक है. तो आपको फार्मूले में एडी चाहिए था, मिल गया, डीबी चाहिए था, मिल गया ठीक. इसको आप इक्वेशन वन मान लो, इसको टू मान लो ठीक है. नेक्स्ट वन को टू से डिवाइड अभी बाद में कर लेंगे ठीक है. और आपको क्या चाहिए, एई चाहिए. एई कहाँ पे है, एई यहाँ पे है. एई को कंटेन करने वाला ट्राइंगल कौन सा है, एई डी है, यानी कि एडीई. तो अगेन आपको एरिया निकालो किसका, ट्राइंगल एई डी का ठीक है, हाफ इंटू बेस किसको मानोगे, तुमको फार्मूले में चाहिए ए ई, जो तुमको प्रूफ करना है उसको उसमें ए ई चाहिए. तो ए ई को क्या मानोगे, बेस. और ए ई पे परपेंडिकुलर कहाँ पे बेटा, ए ई पे परपेंडिकुलर देखो ये 90 डिग्री बना हुआ है, यानी कि डी एन क्या है इसका, ए ई पे परपेंडिकुलर ठीक है. तो ये हो गया. और तुमको क्या चाहिए प्रूफ करना है, उसमें ई सी चाहिए. ई सी कहाँ पे है, ई सी यहाँ पे. ई सी को कंटेन करने वाला ट्राइंगल ई सी डी. तो आप क्या ले लो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी ठीक, हाफ इंटू. अब तुमको ई सी चाहिए क्योंकि प्रूफ करना, तो ई सी को ही बेस मान लो. तुम बहुत सारे तीन साइड को बेस मान सकते हो, लेकिन तुमको क्योंकि प्रूफ करना उसमें ई सी चाहिए, इसलिए तुम किसको बेस मानोगे, ई सी को बेस मानोगे. तो ई सी को अगर हम बेस मानेंगे, तो ई सी को बेस मान लिया, तो ई सी पे परपेंडिकुलर कहाँ पे है, अगेन वही ऑप्टिव एंगल वाला. तो यहाँ पे ई सी को एक्सटेंड करोगे, ये एक्सटेंड हो गई, तो ये वाला तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर डी एन है ठीक, डी एन हो गया. इसको इक्वेशन थर्ड मान दो, इसको इक्वेशन फोर्थ कर लो ठीक. यहाँ तक लिख लो बेटा ठीक है.
लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और ऊपर का हम वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर का आप हटा दीजिए, ट्रायंगल छोड़ दीजिए, ट्रायंगल को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ट्रायंगल का हमको काम है अभी, ठीक है, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो डिवाइड डिवाइड इक्वेशन इक्वेशन वन फ्रॉम वन बाई टू, वन बाई टू एंड थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर। तीन को चार से डिवाइड कर दो और दो, एक को दो से। तो डिवाइड करो बेटा, क्या आएगा, एक को जब दो से डिवाइड करोगे तो LHS में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DBE हो जाएगा, DBE हो जाएगा। ये तो आपका LHS में हो जाएगा। RHS में क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, AD बाई DB बचेगा, AD बाई DB बचेगा, इक्वल्स टू, और EMEM कैंसिल आउट हो जाएगा, EMEM तो कैंसिल आउट, तो हाफ हाफ कैंसिल आउट, EMEM कैंसिल। तो ये क्या हो गया, वन को जब टू से डिवाइड किया, इसको इक्वेशन फोर तक हो गया था, फाइव ले लो, ठीक। और एरिया ऑफ फाइव, थ्री को फोर से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED को आप AD भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD को आप DEC भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल तो ये डी है बेटा, मेरा डी है ये, तुम्हारा कुछ भी हो मेरा तो डी है, ठीक। तो अब देखो बचेगा क्या, RHS में क्या, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, इससे ये कट जाएगा, ये गया, AE बाई ECबचेगा, AE बाई ECबचेगा। तो आप देखो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था AD बाई, हमको प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूफ दैट AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC। क्या प्रूफ करना था, AE बाई EC, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलो तो AD बाई DB हमको मिल गया, AE बाई EC भी मिल गया है, तो RHS तो दोनों के मिल गए। अब LHS में देखिएगा, न्यूमरेटर तो ADE है, यहाँ भी न्यूमरेटर ADE है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, DBE है, यहाँ पे DEC है। तो अब अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE को एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के अगर इक्वल हम दिखा पाएँ, तो हमारा ये दोनों भी इक्वल हो जाए, क्योंकि LHS इक्वल है, तो अल्टीमेटली RHS विल बी इक्वल। तो इसको अब हम साफ कर सकते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए तो अभी मैंने आपको एक थ्योरम लिखवाया था, क्या लिखवाया था थ्योरम लिखवाया था कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, देन देयर एरिया विल बी सिमिलर। अब देखो दो ट्रायंगल कौन से हैं, DBE, सिंस ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DEC, DBE एंड DEC दोनों ही, देखो ये वाला ट्रायंगल, देखो मैं तुमको बना रहा हूँ, ये DEB और क्या है DEC, ये दोनों ही ट्रायंगल में बेस क्या है, दोनों का बेस देखो सेम है, ये DE बेस सेम है ना, तो दोनों का क्या लिखोगे, सिंस DBE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस, बेस सेम है, और क्या दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो सेम बेस पे भी हैं और सेम पैरेलल्स के बीच में भी है ना, सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स के बीच में है और क्या है, सेम बेस पे बनी हुई। और अभी मैंने बताया था, अभी आपको थ्योरम लिखवाई थी, प्रूफ भी कराया था कि अगर सेम बेस होगा और सेम पैरेलल्स के बीच में दो ट्रायंगल्स होंगे तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। और अगर एरिया सेम हो जाएगा तो DBE के जगह पे आप DEC रख दो, यानी कि यहाँ पे आप क्या रख दो, DEC रख दो। तो इसको इक्वेशन सेवन मान लो, इसको सिक्स मान लो, इसको सेवन मान लो, ठीक। तो फाइव और सेवन से क्या हो जाएगा, सेवन का यूज कर लो किसमें, फाइव में। तो यूजिंग
इक्वेशन 7, इन इक्वेशन 5, 5 में कर लो, तो 5 में कर लोगे तो DBE के जगह पे क्या लिख सकते हो, DBE के जगह पे DEC लिख सकते हो, लिख दो यहाँ पे, तो एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE के जगह पे क्या लिखोगे DEC लिख सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू AD अपॉन DB, ठीक ठीक है। अब एरिया ऑफ ADE और DEC ये कितना है, ADE और DEC ये किसके बराबर है, AE अपॉन EC के बराबर है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख दो, AE अपॉन EC विल बी इक्वल टू AD अपॉन AB DB, और आई थिंक हमको यही प्रूफ करना था, तो आप लिख दो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हो गई बेटा, ठीक है, लिख लो इसको, ठीक है, लिख लिया, चलो आगे चलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगी, लिख लो बेटा, लिख लो। अगली क्या है, अगली थ्योरम है कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, नेक्स्ट कन्वर्स या इनवर्स भी इसको कहते हैं, कन्वर्स या इनवर्स भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्स या इसी को आप इनवर्स भी किसी किसी बुक में लिखा होएगा, इनवर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को मैं शॉर्ट में बीपीटी लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है बेटा, लिखो स्टेटमेंट इसका, लिख लो, सॉरी बेटा मेरा मार्कर नीचे गिर गया, ठीक है। स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, इफ आ भाई कन्वर्स लिखा हो इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का उल्टा होगा, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में लाइंस पैरेलल थी और साइड सेम रेशियो में हो गए थे, ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, जस्ट उसका होगा साइड सेम रेशियो में होंगे और लाइंस विल बी पैरेलल, हमको शो करना होगा। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो सेम रेशियो रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। ये आपका हो गया क्या स्टेटमेंट कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, ठीक, ट्रायंगल में कोई एक लाइन है, ये मान लो एक DE है, तो लास्ट BPT में क्या दिया हुआ था, ये इसके पैरेलल दिया हुआ था, लेकिन इस बार पैरेलल नहीं दिया हुआ है बेटा, इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार दिया हुआ है लाइन है DE और DE विच इज इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल ABC एट पॉइंट DE, ठीक है, D और E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो दिया क्या, इस बार दिया हुआ है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये दिया हुआ है। तो आप प्रूफ क्या लिखोगे, प्रूफ लिख लो बेटा, प्रूफ क्या होगा इसका, लिखते चलो, प्रूफ होगा वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC एंड लाइन DE विच इंटरसेक्ट्स AB and AC एट पॉइंट्स D and E पे इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है, D and E पे इंटरसेक्ट कर रही, सच दैट
AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इतना दिया हुआ है बेटा, ये इस बार दिया हुआ है। इस बार हमको उल्टा प्रूफ करना है, और हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट DE पैरेलल टू BC, ये हमको प्रूफ करना है बेटा। ठीक, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये इसके पैरेलल है। हम मान के चलते हैं बेटा ये पैरेलल नहीं है, तो अगर पैरेलल नहीं होगी तो D से कोई एक ऐसा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं DE डैश, ठीक है, DE डैश लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये पैरेलल नहीं है, मान हमको क्या शो करना है, DE इसके पैरेलल है, तो हम मान लेते हैं DE पैरेलल नहीं है। तो अगर पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन होगी जो डी इसके BC के पैरेलल होगी, तो मान लेते हैं DE डैश इज पैरेलल टू BC। लेट अस अज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC एंड हेंस वी गेट अ लाइन, कौन सी लाइन, DE डैश विच इज पैरेलल टू BC। अगर DE पैरेलल नहीं, DE इज नॉट पैरेलल, अगर ये नहीं है तो ये होगा इसका मतलब, कुछ ना कुछ तो होगा पैरेलल, कहीं ना कहीं तो पैरेलल होगा। DE से कोई एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो पैरेलल हो, ठीक। और अगर DE डैश पैरेलल है BC के, अगर DE डैश पैरेलल है BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा, तो AD सिंस दिस DE डैश पैरेलल टू BC, तो बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अगर ये वाली पैरेलल, तो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है। ये होगा, ये किससे होगा, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये इससे होगा बेटा। ये इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू मान लो, ठीक। अब इक्वेशन वन और टू से, वन और टू में आप कंपेरिजन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो AD बाई DB ये भी है, AD बाई DB ये भी है, इसका मतलब AE बाई EC किसके इसके इक्वल होगा, इम्प्लाइज दैट AE बाई EC विल बी इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। और भाई AE बाई EC AE डैश बाई E डैश C के इक्वल कब हो सकता है, जब E और E डैश क्या हो, सेम पॉइंट हो, तभी तो इक्वल हो सकता है ये दोनों। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट E एंड E डैश कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप करते हैं, मतलब सेम ही पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा, DE पैरेलल टू BC, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। यानी कि E और E डैश अगर सेम ही पॉइंट है, तो E डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, क्योंकि हमने E डैश को पैरेलल कहाँ गया, DE डैश को पैरेलल लिया था। और DE डैश और E एक ही पॉइंट है, यानी कि E डैश की जगह पे हम E लिख सकते हैं, यानी कि DE पैरेलल टू BC, ठीक। तो ये आपका कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखो बेटा, दो चीज़ है, अब यहाँ से आप लोग, यहाँ से हमने आपको दो थ्योरम बताई, एक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, एक कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दो थ्योरम मैंने बताई, ठीक है। अभी दो थ्योरम में बेटा देखो, देखने वाली बात क्या है, किसको आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बोलोगे, किसको आप कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलोगे, बड़ी बात ये है। देखो, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल ये है, ठीक है। ये ABC सपोज ये है, और ये भी ABC ही मान लो, ठीक है। यहाँ एक लाइन दी हुई है DE, और यहाँ पे भी एक लाइन दी हुई है DE। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको क्या दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट आपको दिया होता है, ये आपको स्टेटमेंट इसमें क्या दिया हुआ होता है, और इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ये कन्वर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये क्या है, कन्वर्स या इनवर्स के लिए, कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक। और इधर क्या है, BPT है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। तो BPT में स्टेटमेंट क्या दिया होता है, DE पैरेलल टू BC, स्टेटमेंट क्या है, DE पैरेलल टू BC, ये किस में है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, प्रूव हम क्या करते हैं, इससे प्रूव करते हैं AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में ये होता है, और कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में हमको क्या दिया होता है, स्टेटमेंट क्या देता है,
AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ये उसका स्टेटमेंट। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है बेटा DE पैरेलल टू BC। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या स्टेटमेंट देता है, ये DE पैरेलल टू BC, यानी कि इसमें पैरेलल दिया होता है, एक लाइन एक साइड के पैरेलल दी हुई होती है, और रिजल्ट ये होता है। और यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिलता है, रिजल्ट हमको एक लाइन जो है वो किसी एक साइड के पैरेलल रिजल्ट मिलता है। स्टेटमेंट क्या दिया होता है ये, तो यहाँ का स्टेटमेंट कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, रिजल्टेंट ये है, ये रिजल्टेंट होता है। तो जहाँ पे भी आपको शो करना होगा ये रिजल्टेंट, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, बाई कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जहाँ पे ये आपको शो करना होगा, अल्टीमेटली आपको ये समझ जाना है कि वहाँ पे आपको कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप यूज कर रहे हैं, जहाँ पे ये शो करना होगा। और जहाँ पे ये शो करना होगा वहाँ पे आप कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, BPT। आपको समझ बेटा कन्फ्यूजन हो जाती है कि आप बॉक्स में जो ब्रैकेट में लिखते हो ना बाई BPT बाई कन्वर्स ऑफ, वहाँ आप क्या लिखें। तो अगर ये प्रूफ करना होगा तो अल्टीमेटली वो BPT से ही प्रूफ होगा, और अगर ये प्रूफ करना होगा तो अल्टीमेटली वो कन्वर्स ऑफ BPT से प्रूफ होने वाला है। तो ठीक है, यहाँ तक सही है? ठीक है, तो दो एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि चलो कर ही लेते हैं बेटा, आज कर ही लेते हैं, तो चार क्वेश्चन कर लेते हैं ना, दो चार क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज लिख लो बेटा, एक्सरसाइज 6.2 NCERT, 6.2 NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट के दो क्वेश्चन है। एक तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, और एक क्या दिया हुआ है, एक उल्टा पुल्टा ट्रायंगल कुछ भी दिया हुआ है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये ऐसे वाला ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें ये एक पैरेललिटी दी हुई है लाइन, और इसमें ये एक पैरेलल दिया हुआ है। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और इसमें भी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, डी है, ये ई है। ठीक, ये क्या है, डी है, ये ई है। इसमें ये 1.5 दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ, ये 1 दिया हुआ, इसको निकालना है। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ, 7.2 दिया हुआ है, और 5.4 दिया हुआ है, 1.8 दिया हुआ, ये निकालना है। ठीक है, तो वही सेम देखो, और क्या दिया हुआ, ये वाली इसके पैरेलल दी हुई इसमें, और ये वाली इसमें पैरेलल दी हुई, पैरेलल दी हुई बेटा, तो सेम डी पैरेलल टू बी सी, इसमें भी है, उसमें भी है, तो सेम दोनों में ही क्वेश्चन में क्या अप्लाई कर दोगे आप, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिंस लिखोगे, सिंस DE पैरेलल टू BC, दोनों ही क्वेश्चन के लिए सेम लिखोगे, इम्प्लाइज दैट AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC, और यहाँ से इस वाले में आप निकाल, आपको क्या निकालना है, EC निकालना है, तो निकल जाएगा। इसमें कितना आएगा, इसमें आपका आंसर आएगा 2, ये आपका आंसर आएगा, ये एक मिनट, फर्स्ट वाले में इसको निकालना था, तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, और इसमें इसको निकालना आई थिंक ये आएगा आपका 2.4 आएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर आप निकाल लेना, ऐसे आएगा, इस ये वाला फार्मूला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो अभी सेकंड क्वेश्चन बेटा, 6.2 का सेकंड क्वेश्चन, दूसरा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में भी बेटा सेम है, फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ। फिगर क्या होगा, EF एक ट्राइंगल है सेकंड क्वेश्चन के लिए बेटा, NCERT सेकंड क्वेश्चन, उसका फिगर मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चेक करोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, चेक वेदर इफ, क्या चेक करना है, EF पैरेलल टू QR। फिगर मैं आपके लिए बना दे रहा हूँ, ये Q है, ये R है, ये EF है। ठीक है, EF है, और ये PA है। अब आपको तीन क्वेश्चन दिया हुआ, तीन पार्ट में PE की वैल्यू दी हुई है, EQ की, PF और FR की। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए कर दे रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, PE दिया हुआ है आपका 3.9, और EQ दिया हुआ है आपका, EQ आपका गिवन है 3, सारे के सारे सेंटीमीटर में बेटा। PF है आपका 3.6, और FR है आपका
2.4 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब हमको क्या शो करना है, हमको चेक करना है कि EF ये वाली लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो पैरेलल कब होगी, EF विल बी पैरेलल टू QR इफ क्या होगा, PE पैरेलल कब होगी, जब PE अपॉन EQ इक्वल होगा किसके, PF अपॉन FRK। अगर ऐसा हो जाएगा तो पैरेलल किससे भाई, अब देखो हमको क्या रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट हमको ये वाला रिजल्ट चाहिए ना। तो अगर ये रिजल्ट किस में होता था, कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्स ऑफ BPT बाई कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। ये रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब ये रिजल्ट किस में था, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक। तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, चेक करेंगे अगर इक्वल आ गया तो हो गया, ये वाला पैरेलल हो जाएगा, अगर ये वाला इक्वल नहीं आया तो पहले चेक कर लो बेटा, PE अपॉन EQ निकाल लो, PE अपॉन EQ ये कितना हो जाएगा, 3.9/3, ठीक। ये तो डेसिमल हटाओगे जीरो बढ़ेगा, 3 × 10 = 30, 3 × 13 = 19, ठीक। 13/10 PF अपॉन FR निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 3.6/2.4, डेसिमल गायब हो जाएगा, 12 × 3 = 36 और 12 × 24 3/2 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, PE पानी क्यों इसके बराबर है भाई, ये 13/10 आ रहा है, ये 3/2, तो बराबर नहीं है, इम्प्लाइज दैट PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। और हमको क्या चाहिए था, इक्वल चाहिए था, इक्वल होता तो ये होता, अब इक्वल नहीं है तो है नहीं, इसका मतलब EQ EF डज नॉट पैरेलल टू QR, ये किसके लिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, सेकंड के फर्स्ट के लिए, और बाकी सेकंड थर्ड आप लोग चेक करना है कि नहीं है, और बताना, कमेंट करना चेक करके कि पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। फिगर सेम रहेगा आपको तीनों क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और ये इसी को आपको चेक करना, अगर ये हो जाता है तो ये हो जाएगा, ठीक। तो सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा बेटा, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ फिगर वगैरह दिया हुआ है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए फिगर दिया हुआ था, फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है ये एक, ये पतंग की जैसा कुछ फिगर बनाया हुआ है, ये गया, ये गया, ये और ये, ठीक है, ये फिगर बनाया हुआ है, ठीक है। अभी बीच में एक ये लाइन गई है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक, और ये क्या है, ये ऐसे गया हुआ है, ये ऐसे गया हुआ है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, यही है, ठीक, यही है ना। चलो अभी क्वेश्चन में गिवन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ML, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ML पैरेलल टू BC, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। गिवन ये क्या लिखोगे आप, गिवन दैट इतना आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, LN पैरेलल टू CD, इतना आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, क्या है, ML पैरेलल टू BC है, तो आप ले लो, देखो ट्रायंगल ML और BC ये कहाँ पे, दोनों ही साइड कहाँ पे हैं, दोनों ही लाइन कहाँ पे, ABC में, तो आप ले लो ट्रायंगल BC इन, और हमको प्रूफ क्या करना बेटा वो भी लिख लो, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको कुछ दिखाना है, वी हैव टू शो या प्रूफ जो भी आप लिखना चाहो, सो क्या करना है, AM अपॉन AB विल बी इक्वल टू AN अपॉन AD, यही दिखाना है ना बेटा, चलो यही दिखाना, ठीक है। तो AM कहाँ पे है, AM यहाँ पे है, ठीक है, AB कहाँ पे, AB यहाँ पे, तो एक काम करो आप ट्रायंगल ABC ले लो, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है बेटा, ABC में कौन कौन से पैरेलल है, ABC इसमें कौन सा है, LM पैरेलल है CB के, या ML पैरेलल है किसके, BC के। तो अगर ये वाला इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या, AM अपॉन MB विल बी इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक, AL अपॉन LC दैट विल बी बाई विच थ्योरम, बाई BPT, ठीक, यहाँ तक सही है, ठीक है। इसको आप इक्वेशन वन मान लो, ठीक। अब इन ट्रायंगल, दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, ADC ले लो, इन ट्रायंगल ADC ले लो, तो इसमें कौन कौन सा पैरेलल है, LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD, अगर पैरेलल है तो क्या होगा बेटा, AL अपॉन LC विल बी इक्वल टू AN अपॉन NB, ठीक, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है।
ये किससे हो जाएगा बाई बी पी टी, ठीक है। अब देखो ए एल अपॉन एल सी यहाँ भी, ए एल अपॉन एल सी यहाँ भी, यानी कि इस ए एल अपॉन एल सी की जगह पे हम यहाँ से ए एल अपॉन एल सी इसके बराबर, यानी कि इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो ए एम अपॉन एम विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए एल, ए एल अपॉन एल सी की जगह पे ये लिख दो, पुट कर दो इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ए एम अपॉन एम बी क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन टू मान लो, चलो आप मान लो, तो इक्वेशन टू मान लोगे तो वन और टू से क्या, ये इसके बराबर, ये अगेन इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, ए एम अपॉन एम बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन बी, ठीक। कैसे लिखोगे, बाई यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, ठीक ठीक है। अब देखो बेटा, हमको ए एम चाहिए था, मिल गया, ए एन चाहिए था, मिल गया, लेकिन हमको डिनोमेटर में क्या एम बी चाहिए था, नहीं, हमको ए बी चाहिए था, एन डी चाहिए था, नहीं, ए डी चाहिए था। तो एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल ले लो, तो रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू ए एन अपॉन एन, सॉरी उल्टा किया है ना हमने, तो एन डी अपॉन ए एन हो जाएगा, ठीक ठीक है। अब एक काम करो बेटा, हमको एम बी को ए बी बनाना है, एम बी को क्या बनाना है, ए बी बनाना है, एन डी को क्या बनाना है, ए डी बनाना है। तो एक काम करो, थोड़ा सा दिमाग आप यूज करो, यहाँ पे वन ऐड कर दो, यहाँ पे भी वन ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लो, तो ए एम ऊपर चला जाएगा, ए एम प्लस एम बी हो जाएगा, एलसीएम ले लो बेटा, अपॉन ए एम हो जाएगा वन अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए एम का वन से करोगे, ए एम वन का एम बी से एम बी, ठीक, न्यूमरेटर में वही ए एम आ जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन, ठीक। ए एम प्लस एम बी कितना, ए एम प्लस एम बी यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना ए बी, टोटल कितना हो जाएगा ये, या चलो यहाँ तक लिख लिया बेटा आप लोगों ने, चलो या इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं बेटा, चलो अच्छा जो हमको प्रूफ करना है उसको लिखे रहो बेटा, ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, इसको लिखे रहो, ठीक है। चलो अब यहाँ से आ जाओ, ये क्या लिखा हो बेटा, ए एम प्लस एम बी कितना हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, और ए एन, ए एम तो डिनोमेटर में है ही, फिर क्या है, ए एन प्लस एन डी कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर एन डी यहाँ से यहाँ तक, फिर टोटल कितना, ए डी अपॉन ए एन, ठीक है। अब देखो ए एम और ए एन दोनों ही क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों ही जो हमको प्रूफ करना है उसमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, दोनों ही साइड ले लो, तो रेसिप्रोकल ले लो, कितना क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हमको यही प्रूफ करना था, तो आप क्या लिखोगे, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, हो गया बेटा, चलो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद में हम कल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देखो फिगर बनाया हुआ है आपका, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल दिया हुआ है, और एक ये ऐसे ड्रॉ किया है, ये इस तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये एन बनाया हुआ है, कुछ ऐसे उल्टा एन बनाया हुआ है, नहीं बेटा मैंने उल्टा बना दिया, ऐसे नहीं बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ए बी सी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, और ई एफ कौन सा है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, गिवन दैट, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन दैट क्वेश्चन में दिया हुआ है डी पैरेलल टू ई सी, डी ई पैरेलल टू ए सी, अब क्योंकि डी पैरेलल टू ए सी है, डी ई ए सी के पैरेलल है, तो ट्रायंगल ले लो आप, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, चलो पहले लिख लो बेटा क्या क्या दिया हुआ, लिख ही लो बेटा, डी पैरेलल टू ए सी है, और क्या है, डी एफ पैरेलल टू ए ई है, डी एफ पैरेलल टू ए ई है, डी एफ पैरेलल टू, और वी हमको क्या शो करना है, वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ दैट, हमको क्या प्रूफ करना है बेटा, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, यहीं पे लिख लो बेटा, बी एफ अपॉन एफ ई विल बी इक्वल टू
बी अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। चलो आओ करते हैं। तो डी पैरेलल टू ए सी, डी कहाँ पे, डी ई यहाँ पे, और ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पहले ट्रायंगल ले लो, ए बी सी ट्रायंगल ले लो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक, डी पैरेलल टू किसके है, ए सी के है, चेक करो, ये वाली अगर इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या, बी डी बाई ए डी विल बी इक्वल टू बी ई बाई ई सी, ठीक है, बी डी बाई डी ए इम्प्लाइज दैट बी डी बाई डी ए विल बी इक्वल टू बी ई बाई ई सी, किससे होगा, बी पी टी, अगेन बी पी टी बाई बी पी टी, यूजिंग बी पी टी, इक्वेशन वन, ठीक है। अगेन इन, अभी क्या है, डी एफ पैरेलल टू ये वाला किसके पैरेलल है, ये अगेन ये वाली किसके, इसके पैरेलल है, तो ए बी ई ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक, ये ट्रायंगल ले लो ए बी ई, तो अगर ये ट्रायंगल ले लोगे तो बेटा पैरेलल कौन सी है, डी एफ पैरेलल टू ए ई है, तो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, अगेन क्या दिया हुआ है, डी एफ, डी एफ पैरेलल टू ए ई है, तो बी पी टी से क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन टू बाई बी पी टी, ठीक। अब देखो बी डी बाई डी ए यहाँ पे, बी डी बाई डी ए यहाँ पे, यहाँ बी डी बाई डी ए इसके इक्वल है, यहाँ बी डी बाई डी ए इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू दोनों से क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ, दोनों ही एफ लिख गया बेटा, बी एफ अपॉन एफ ई होगा, ठीक है, बी एफ अपॉन, ठीक, हमको क्या यही प्रूफ करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, बी अपॉन, ठीक है बेटा, ठीक है। तो हैंस क्या लिख दोगे नीचे, हैंस प्रूव्ड, आपका प्रूफ क्या हो गया, हो गया, लिख लो बेटा, छाप लो, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है बेटा, इसके आगे से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चन करना, और बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं क्लास करते समय उसके आप आंसर देना, जैसे कि आप क्वेश्चन फर्स्ट के दोनों ही करके बताना आंसर कितना आएगा, सेकंड का जो क्वेश्चन 6.2 के सेकंड के दोनों पार्ट थे, लास्ट के जो छूटे हुए थे सेकंड और थर्ड पार्ट, उसमें पैरेलल है कि नहीं है वो बताना, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा था आज, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या सारे के सारे जो है क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, और क्या रेक्टेंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे सारे के सारे, ये भी आपको आज आपके लिए क्वेश्चन है, और ये नोट कर लीजिए, आज की क्लास समाप्त की, धन्यवाद बेटा, थैंक यू।